जय जय माता माता दी दी दोस्तों, दोस्तों, स्वागत स्वागत है है आपका आपका हमारे हमारे YouTube YouTube चैनल चैनल भक्ति भक्ति की की शक्ति शक्ति में। में। दोस्तों, दोस्तों, आज आज हम हम आपको आपको मासिक मासिक शिवरात्रि शिवरात्रि के के व्रत व्रत की की विधि, विधि, महत्व महत्व एवं एवं कथा कथा सुनाने सुनाने जा जा रहे रहे हैं। हैं। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। हर हर महीने महीने की की कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष की की चतुर्दशी चतुर्दशी को को मासिक मासिक शिवरात्रि शिवरात्रि मनाई मनाई जाती जाती है। है। इस इस दिन दिन भगवान भगवान शिव शिव और और माता माता पार्वती पार्वती की की पूजा पूजा होती होती है है और और जो जो भक्त भक्त सच्चे सच्चे मन मन से से श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक पूर्वक शिव शिव पार्वती पार्वती की की पूजा पूजा करता करता है, है, उसकी उसकी हर हर मनोकामना मनोकामना पूर्ण पूर्ण होती होती है, है, बिगड़े बिगड़े हुए हुए काम काम सवर सवर जाते जाते हैं, हैं, अहंकार अहंकार समाप्त समाप्त होता होता है, है, विकारों विकारों से से मुक्ति मुक्ति मिलती मिलती है है और और उसे उसे इस इस व्रत व्रत के के पुण्य पुण्य फल फल की की प्राप्ति प्राप्ति होती होती है। है। मासिक मासिक शिवरात्रि शिवरात्रि व्रत व्रत का का आरंभ आरंभ आप आप महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि के के दिन दिन से से कर कर सकती सकती हैं। हैं। इस इस व्रत व्रत को को स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष दोनों दोनों ही ही कर कर सकती सकती हैं। हैं। अगर अगर शिवरात्रि शिवरात्रि का का व्रत व्रत मंगलवार मंगलवार को को पड़ता पड़ता है है तो तो वह वह बहुत बहुत ही ही शुभ शुभ माना माना जाता जाता है। है। जो जो कोई कोई भी भी इस इस व्रत व्रत को को करता करता है है उसे उसे एक एक बात बात ध्यान ध्यान में में रखनी रखनी चाहिए चाहिए कि कि शिवरात्रि शिवरात्रि का का शुभ शुभ समय समय मध्यरात्रि मध्यरात्रि माना माना गया गया है। है। इसीलिए इसीलिए भक्तों भक्तों को को शिव शिव जी जी की की पूजा पूजा मध्यरात्रि मध्यरात्रि से से करनी करनी चाहिए चाहिए और और इस इस शुभ शुभ मुहूर्त मुहूर्त को को ही ही निशिताकाल निशिताकाल कहा कहा जाता जाता है। है। अब अब आपको आपको बताते बताते हैं हैं मासिक मासिक शिवरात्रि शिवरात्रि व्रत व्रत करने करने की की विधि। विधि। ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में में उठकर उठकर नित्य नित्य कर्मों कर्मों से से निवृत्त निवृत्त होकर होकर स्नान स्नान करें। करें। भगवान भगवान शिव शिव के के मंदिर मंदिर में में जाकर जाकर भगवान भगवान शिव शिव माँ माँ पार्वती पार्वती की की पूजा पूजा करें। करें। शिवलिंग शिवलिंग का का रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक, जल, जल, घी, घी, दूध, दूध, शक्कर, शक्कर, शहद शहद और और दही दही से से करें। करें। ऐसा ऐसा करने करने से से भगवान भगवान शिव शिव जल्दी जल्दी प्रसन्न प्रसन्न हो हो जाते जाते हैं। हैं। शिवलिंग शिवलिंग पर पर बेलपत्र, बेलपत्र, धतूरा धतूरा और और श्रीफल श्रीफल चढ़ाएं। चढ़ाएं। इसके इसके बाद बाद धूप, धूप, दीप, दीप, फल फल और और फूल फूल से से पूजा पूजा करें। करें। शिव शिव पुराण, पुराण, शिव शिव स्तुति, स्तुति, शिव शिव चालीसा चालीसा और और शिव शिव श्लोक श्लोक का का पाठ पाठ करें। करें। संध्या संध्या के के समय समय आरती आरती अर्चना अर्चना के के बाद बाद फलाहार फलाहार कर कर सकती सकती हैं। हैं। व्रती व्रती मासिक मासिक शिवरात्रि शिवरात्रि के के दिन दिन अन्य अन्य ग्रहण ग्रहण नहीं नहीं कर कर सकता सकता है। है। अगले अगले दिन दिन भगवान भगवान शिव शिव की की पूजा पूजा करें, करें, दान दान दें, दें, इसके इसके बाद बाद अपना अपना उपवास उपवास खोलें। खोलें। अब अब आपको आपको सुनाते सुनाते हैं हैं इस इस व्रत व्रत की की कथा। कथा। एक एक बार बार की की बात बात है, है, ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी और और विष्णु विष्णु जी जी में में इस इस बात बात को को लेकर लेकर मतभेद मतभेद हो हो जाता जाता है है कि कि इन इन दोनों दोनों में में से से सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कौन कौन है। है। यह यह बात बात धीरे 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 बहुत बहुत बढ़ बढ़ जाती जाती है है और और तभी तभी वहां वहां पर पर भगवान भगवान शिव शिव लिंग लिंग रूप रूप लेकर लेकर अग्निस्तंभ अग्निस्तंभ के के रूप रूप में में प्रकट प्रकट होते होते हैं। हैं। उस उस प्रकाश प्रकाश स्तंभ स्तंभ को को देखकर देखकर भगवान भगवान विष्णु विष्णु ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी से से कहते कहते हैं हैं कि कि मुझे मुझे इस इस प्रकाश प्रकाश स्तंभ स्तंभ का का कोई कोई भी भी सिरा सिरा दिखाई दिखाई नहीं नहीं पड़ता, पड़ता, यह यह तो तो अनंत अनंत है। है। इस इस प्रकार प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी और और विष्णु विष्णु जी जी दोनों दोनों को को अपनी अपनी गलतियों गलतियों का का एहसास एहसास होता होता है है और और वे वे भगवान भगवान शिव शिव से से क्षमा क्षमा मांगते मांगते हैं। हैं। हिंदू हिंदू धार्मिक धार्मिक मान्यताओं मान्यताओं के के अनुसार अनुसार ऐसा ऐसा माना माना जाता जाता है, है, इस इस दिन दिन भगवान भगवान शिव शिव का का जन्म जन्म हुआ हुआ था था और और फागुन फागुन महीने महीने की की शिवरात्रि शिवरात्रि के के दिन दिन शिव शिव जी जी का का विवाह विवाह पार्वती पार्वती जी जी के के साथ साथ संपन्न संपन्न हुआ। हुआ। हिंदू हिंदू धार्मिक धार्मिक मान्यताओं मान्यताओं के के अनुसार अनुसार इस इस दिन दिन भगवान भगवान का का जन्म जन्म लिंग लिंग के के रूप रूप में में हुआ हुआ और और सर्वप्रथम सर्वप्रथम भगवान भगवान शिव शिव जी जी के के लिंग लिंग रूप रूप को को विश्व विश्व की की रचना रचना करने करने वाले वाले ब्रह्मा ब्रह्मा जी, जी, पालन पालन करता करता विष्णु विष्णु जी जी ने ने सबसे सबसे पहले पहले इनकी इनकी पूजा पूजा की की थी। थी। लक्ष्मी लक्ष्मी जी, जी, सरस्वती, सरस्वती, गायत्री, गायत्री, सीता, सीता, पार्वती पार्वती तथा तथा रति रति ने ने भी भी शिवरात्रि शिवरात्रि का का व्रत व्रत किया किया था। था। शिवरात्रि शिवरात्रि के के दिन दिन शिवलिंग शिवलिंग की की पूजा पूजा की की जाती जाती है। है। तो तो दोस्तों, दोस्तों, अगर अगर आपको आपको ये ये वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो इसे इसे लाइक लाइक करें करें और और ज्यादा ज्यादा से से ज्यादा ज्यादा शेयर शेयर करें। करें। साथ साथ ही ही साथ साथ हमारे हमारे चैनल चैनल से से जुड़े जुड़े रहने रहने के के लिए लिए इसे इसे अभी अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और और नीचे नीचे दिए दिए गए गए बेल बेल आइकन आइकन को को प्रेस प्रेस करें। करें। जय जय माता माता दी। दी।